हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रेसलिंग में होने वाली एक बहुत ही कॉमन इंजरी के बारे में। जब भी आप किसी फूले हुए कान वाले व्यक्ति को देखते होगे तो आपके दिमाग में हमेशा आता होगा ये जरूर रेसलर ही होगा। जब पहलवान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या बाउट कर रहे होते हैं तो कान के ऊपर बार बार अपोनेंट का सिर लगता है तो उससे पहलवान का कान टूट जाता है। या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है कि अगर थोड़ा सा भी कान के ऊपर टच हो जाए या थोड़ा ज़ोर से लग जाए तो उस वजह से भी पहलवान के कान के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो टूट जाती हैं और वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ना पहलवान का कान की शेप चेंज हो जाती है। इसी को बोलते हैं कान का टूटना, इसे कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। जब भी पहलवान का कान टूटता है तो पहलवान को इतना पता नहीं चलता है कि उसका कान टूट गया है। हाँ, एक बार पेन जरूर होता है लेकिन वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो कूल डाउन करता है तो उसके कान का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर अगर आप टच भी करते हो, हाथ भी लगाते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पहलवान जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कान में इंजेक्शन लगा के और ब्लड को निकाल देता है, जिससे कान वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगता है। लेकिन अगर उसके ऊपर दोबारा से हिट हो जाता है, दोबारा से लग जाता है, तो कान फिर से टूट सकता है। और कुछ पहलवान इसका घर पे ही इलाज कर लेते हैं। वो एक दिया जैसा बनाते हैं कच्चे आटे का और उसके अंदर डालते हैं सरसों का तेल और हल्दी, उसको तवे पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर उससे अपनी सिकाई करते हैं कान की। और कुछ आधी कच्ची रोटी को एक तरफ से पका लेते हैं, एक तरफ से कच्चा रखते हैं, और उसके ऊपर हल्दी और सरसों का तेल डालकर उससे भी कान को सेक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहलवान का कान टूट गया, आज टूटा है और आज ही ठीक हो गया, नहीं, ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला प्रोसीजर है। आज टूटा है, काफ़ी दिन तक पेन होता रहेगा, फिर जाके ठीक होता है। और बहुत टाइट सा हो जाता है। जब वो बहुत टाइट सा हो जाता है तो पेन तो होना बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बार बार अगर घसीट लगती है अपोनेंट के सिर की, बालों की, मैट की, तो वहाँ पे छिल जाता है। ये बहुत ही कॉमन रहता है रेसलिंग में। और अगर आपका कान अभी टूटा है तो आप प्रैक्टिस तो छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि रेसलिंग एक बहुत ही टफ स्पोर्ट्स है। और बोलते हैं ना, अगर आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो एक वीक पीछे चले जाते हो। सेम इसी वजह से प्लेयर्स प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो। जब भी रेसलर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका कान टूट जाता है तो उसके बाद वो ईयर गार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि वो इस तरीके से कवर हो जाता है ताकि जो पेन है वो कम हो। और बार अगर ऐसे कवर किया हुआ होता है और यहाँ से हिट होता है तो वो कान तक उसका प्रेशर नहीं जाता है और पेन नहीं होता और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ईयर गार्ड खरीदना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि पहलवान का अगर कान टूट गया तो क्या उनको कम सुनाई देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहलवानों को बिल्कुल जितना आपको सुनाई देता है उतना ही सुनाई देता है, बस कान की शेप थोड़ा सा चेंज हो जाती है। थैंक यू।